that very often. Okay. I like good films, yeah. One of my heart, okay. I like good films, and इतने सारे nomination मिले हैं, तो why not? Get a chance to see, must see. Tell me, tell me. Oh, Thakur. मुझे यार मुझे फिल्में पसंद है और इसीलिए मैं इसी प्रोफेशन में हूँ. एंड आई थिंक हॉलीवुड फिल्मों में क्या है कि एक ऑनेस्टी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है और वो देखने में मज़ा आता है. क्यों मेरी दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं यार? नहीं, ऐसा नहीं है यार. इट्स लाइक आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने कई बार कह चुका हूँ मैं बहुत ही सुस्त आदमी हूँ. बिग बॉस के बाद तो आई डेंट वॉन्ट टू डू एनी फर्दर दैन दैट. जॉली का इत्तेफाक है, एंड एज आई सेड अर्लियर आई एम वेरी हैप्पी अक्षय डूइंग इट. अक्षय मेरी बातें होती रहती है, एंड आई थिंक इज डन अ डैम गुड जॉब. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली होप द फिल्म डज वेल. दैट्स इट. नहीं, मैं देखूंगा. मैं खुद इरादा प्रमोट करने में लगा हूँ. I'm sorry, but this is a sad situation that I think there's a good chunk of money that goes into the government pocket from the Bollywood industry, and unfortunately we are targeted, we are thrashed, and we are threatened, and all that happened, and nobody gives a shit. It's a sad thing. The last one that I did, what journalist award? Very good. Yeah, I should have. You're on your knees. I wanted to win the award, my friend. It's a good thing. I think, you know, every job, when you get appreciated, it's a wonderful thing. Expandable awards for journalists, please go for it. Yeah. मैंने अभी कहा यार, मैं बोला बहुत गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये बहुत ही गलत है. आई थिंक कहीं पे हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो ईमानदारी से काम करती है, टैक्स भरती है, थोड़ा तो ख्याल रखे. कहीं गैंगस्टर्स आते हैं, कहीं कोई सेना आ जाती है, ना कोई आ ही जाता है, और जिसके मूड में जो आता है करता है. तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट आई होप समबडी डज समथिंग. थैंक यू. गुड. All right. बस एक बेहतरीन पिक्चर देखने आए हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और एक बेहतरीन फिल्म भी आप बना रहे हैं. फिल्म बना रहा हूँ, बेहतरीन या नहीं होता आप लोग बताएंगे. क्या कुछ स्टेटस है, कहाँ तक फिल्म का? फिल्म हो गई कम्प्लीट, बस एक दिन का शूट बचा है और शूटिंग कम्प्लीट है. जून में रिलीज करेंगे हम. 3rd जून को ईद है, 6th जून को ईद है, 23rd को क्लैश भी है. अभी तक तो नहीं सीखा, लेकिन अब कोई आ जाए तो हो जाएगी क्लास. हर फिल्म के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. मतलब आई थिंक आज लोगों की मैं बहुत ज़्यादा आउटडोर लोकेशन पर शूट करता हूँ. एक बार लद्दाख के पहाड़ों में बहुत शूट किया, तो दैट मस्ट बी फिजिकली द मोस्ट चैलेंजिंग. नहीं, वो प्रेशर मैं नहीं लेता हूँ कि लास्ट फिल्म हिंदी फ्लॉप थी. वो प्रेशर लेंगे तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे. अगर मैं एक फटाके का प्रेशर लेता तो मैं एक फटाके जैसे ही फिल्म और बनाता हूँ. हमने भी डिपार्टमेंट बहुत बदल की मैदान बनाई, तो आई थिंक वो मैं प्रेशर नहीं लेता. पिक्चर बना रहे हैं, आप लोगों को अच्छी लगेगी तो सेम बिजनेस बदलेंगे, नहीं तो कम करेंगे. अलग जी, बहुत अलग. ये मैं कहता हूँ कि
फ्लैट अगर लोग कह रहे थे कि बजरंगी भाई जान सलमान अलग है तो इसमें तो उससे पांच कदम आ गए। मैं एक्चुअली शूट कर रहा था, मेरा पहला ऑफ डे है, कल फिर शूट कर रहा हूँ, तो मैंने काबिल और रईस में दोनों में से एक भी नहीं देख पाया। दोनों बहुत एक्साइटिंग एक्टर्स हैं और दोनों फिल्में देखना चाहता हूँ। आई थिंक इट्स शॉकिंग, आई थिंक इट्स परफेक्ट कि ऐसी चीज़ हमारे मुल्क में हो सकती है। आई मीन सबको राइट है एक अगर उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें, लेकिन अच्छी चीज़ डेमोक्रेटिक स्टाइल में होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि गुंडागर्दी आ रहे हैं, कोई आ गया आपको थप्पड़ मार दिया। आई थिंक इट्स डिस्गस्टिंग व्हाट हैपेंड इन जयपुर एंड आई एम शॉक्ड दैट दोज पीपल स्टिल हैव नॉट बीन कॉट एंड थ्रोन इनटू जेल। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है संजय लीला भंसाली की स्क्रिप्ट से, फर्स्टली आपको स्क्रिप्ट कैसे मालूम है ये मुझे नहीं मालूम, बिकॉज संजय किसी को नहीं पढ़वाते स्क्रिप्ट, सो दे ऑलरेडी सीम टू नो व्हाट इज इन द फिल्म। अगर फिल्म में कुछ खराब लगी तो अभी फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाएगी, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो पास होगी, तब आप अपना जो प्रोटेस्ट आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन पीसफुली करिए। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह गुंडागर्दी इज नॉट डन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो टुडे वॉज माई फर्स्ट ऑफ डे, सो आई स्लेप्ट टिल लंच टाइम, आई मिस द लाइव टेलीकास्ट, सो आई हैव जस्ट सॉर्ट ऑफ गॉट अ फ्यू इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, सो आई एम नॉट रियली इन द पोजीशन टू बी एबल टू इंटेलेक्चुअली सॉर्ट ऑफ स्पीक अबाउट व्हाट द बजट इज। आई जस्ट गॉट अ फ्यू थिंग्स अबाउट द टैक्स रेट्स एंड गॉट अ फ्यू थिंग्स अबाउट सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स दैट दे इंक्रीजिंग, सो आई डोंट रियली हैव द डिटेल्स टू बी एबल टू टॉक प्रॉपरली अबाउट द बजट। As always, I don't think we ever get anything. That's a little surprising and it's a little disappointing. Every year we expect that there will be some sort of serious look at Bollywood. I think they just don't take us seriously as an industry. So I don't think the little issues that we have, I don't think they're important enough to be really considered in the budget. Unfortunately. Thank you.